सभी का स्वागत है अंजू के रसोड़े में। दोस्तों आज बनाते हैं कच्चे पपीते के कोफ्ते। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को कद्दूकस कर लेंगे। उसमें कोफ्ते बनाने के लिए बेसन का प्रयोग होगा। धीरे धीरे कद्दूकस किए हुए पपीते में बेसन डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, फिर धीरे धीरे इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी पे ध्यान देते समय डालते समय ध्यान रखिएगा कि ज्यादा पानी ना हो। इस तरह से मेरा कोफ्ते का पेस्ट तैयार हो गया है। तेल मैंने गरम करने रख दिया था। अब ऐसे छोटे छोटे से कोफ्ते के बाउल से बनाएंगे। कढ़िया गरम हो चुकी है। दोस्तों जब भी आप कोफ्ता बनाएं तेज गैस की आंच तेज रखें। लगभग 5-7 मिनट आप इसे होने दीजिए। फिर धीरे से, अभी ये कच्चा इसलिए नहीं निकलेगा, 2-3 मिनट और पकाइए फिर पलटेंगे। देखिए दोस्तों लगभग 7 मिनट तलने के बाद ये अपन पलटने के लायक हो जाते हैं कोफ्ते। देखिए दोस्तों कोफ्ता तैयार होने को है। लगभग 5 मिनट तक इसे और तलिए जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए। देखिए दोस्तों जब तक कोफ्ता तैयार होता है तब तक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए ग्रीन मिर्ची, जो कि ग्रीन या रेड मिर्ची, 4-5 लहसुन के टुकड़े और थोड़े से अदरक, 2 टमाटर। टमाटर को कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों तैयार हो चुके हैं अपने सुंदर से प्यारे से कोफ्ते। ग्रेवी के लिए पहले मैंने पानी गरम करने रख दिया है। अब इसमें धीरे धीरे कर टमाटर, अदरक और मिर्च को डालते हैं और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट रख देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अपनी ग्रेवी के लिए टमाटर उबले कि नहीं। टमाटर लगभग उबल से गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे मैंने मिक्सर में डाल दिया है। देखिए दोस्तों अपनी ग्रेवी तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही बारीक आपको पीसना है, एकदम बारीक। देखिए दोस्तों अब तड़का लगाते हैं। इसमें पहले सौंफ डालेंगे, राई डालेंगे, ये मीठी नीम है, हल्दी पाउडर, अब ग्रेवी, इसको चलाते रहेंगे। चलाने के बाद स्पेशली इसमें मलाई डालेंगे, इसे भी 2 मिनट पकाएंगे। मलाई डालने से यहाँ बहुत ही पौष्टिक हो जाता है और खाने में सौंधा सौंधा सा लगता है, टेस्ट बढ़ाता है। और ये अब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। लगभग 5 मिनट जब कढ़ाई छोड़ने लगती है ये ग्रेवी को, तो इसमें पानी डालेंगे लगभग 1 कप।
स्वाद अनुसार नमक, इसे 5 से 7 मिनट तक पकाइए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। देखिए दोस्तों ये उबाल आने लगा है, मतलब अपनी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। गैस को करेंगे ऑफ, से बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें कोफ्ते डालेंगे, देखिए दोस्तों तैयार है अपनी कच्चे पपीते की कोफ्ता। आपको मेरा यह चैनल कैसा लगा कृपया मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।